हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। इन टुडे सेशन वी विल कंटिन्यू डीलिंग विद द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स फ्रॉम 10 सितंबर 2024। सो द फर्स्ट आर्टिकल सेज दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोजेस बैन ऑन फायर क्रैकर्स टिल जनवरी 1। नाउ द क्वेश्चन हियर इज के दिस मेजर कैन बी अ बिट अफेक्टिव, बट इज इट द अल्टीमेट सोल्यूशन? और हाउ मच सिग्निफिकेंट विल इट एक्चुअली बी इन टर्म्स ऑफ कर्बिंग द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? तो सिंस देर हैव बीन अ डेथ्स इन मिलियंस सिंस 2021, द रेट हैज बीन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली ड्यू टू एयर पोल्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज कंसर्न टू कर्ब द एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो द रिलेटेड इन्वायरमेंटल डिजीजेस दैट पीपल कैच होल्ड ऑफ ड्यू टू द वहीकुलर इमिशंस और इवन द कंस्ट्रक्शन साइट्स, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ऑफ सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्दर इवन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल आउटलेट्स दैट एग्जिस्ट करेंटली। तो यहाँ पर व्हाट बिकम्स इम्पोर्टेंट नाउ इज टू टेक सच मेजर्स, जिनमें से एक इज रिगार्डिंग फायर क्रैकर्स दैट वॉज प्रपोज। अदर देन दिस द मेजर चैलेंज दैट इज शोन हियर इज रिगार्डिंग दैट ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, या फिर जिसको हम स्टबल भी बोलते हैं, पराली, तो दैट इज लेफ्ट आफ्टर द पैडी कल्टिवेशन। अब मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ऑल्टरनेट क्रॉपिंग, जिससे अगेन द स्टबल इज नॉट क्रिएटेड इन इट सेल्फ, एंड सेकेंड इज डेवलपिंग सच काइंड ऑफ चीपर टेक्नोलॉजीज दैट आर लेस कॉस्ट इंटेंसिव दैट कैन हेल्प इन रिमूविंग दैट स्टबल। एंड जो टाइम है इवन वो भी रिड्यूस हो टू रिमूव द स्टबल, एंड फर्दर दैट पर्टिकुलर स्टबल कैन बी सोल्ड इन द इंडस्ट्रीज इन द मार्केट, मे बी फॉर बायोफ्यूअल प्रोडक्शन और फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग और फॉर सेवरल अदर वेज। तो विंटर एक्शन प्लान, तो ऑब्वियसली विंटर में द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इट इंक्रीजेज अलॉट, तो ग्रीन स्पेसेस को क्रिएट करना एंड ऑल्सो क्रिएटिंग सच सेल्स, सच सेंट्रल पार्क्स दैट कैन एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। फिर स्क्रैपेज ऑफ व्हीकल्स दैट हैव एक्सीडेड देयर टाइम लिमिट, पोल्यूशन कंट्रोल टेस्ट जो होते हैं उनको रेगुलरली उनके ऊपर इम्पोजिशंस लगाना, पेनल्टीज, हैवी फाइंस ऑन द वंस दैट आर नॉट फॉलोइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम देम वी हैव ऑलरेडी बीन फोकसिंग अपॉन द फेम बीएस नॉर्म्स दैट आर ऑल डिरेक्टेड टूवर्ड्स अ बेटर एंड ऑल्टरनेट सोल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे फेम भी वी हैव द इलेक्ट्रिक व्हीकुलर व्हीकल्स अडोप्शन, फास्टर अडोप्शन एंड ऑल्सो द कैफे नॉर्म्स, फर्दर ग्रैप जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो कैसे टेक प्लेस करता है। फिर हम बात करते हैं वाटर गन्स की, कि हाउ इवन दे कैन हेल्प इन सेटलिंग द पॉल्यूशन, बिकॉज अगेन दिस इज अ साइक्लिकल प्रॉब्लम, इट हैपन्स नियरली एवरी ईयर एंड एवरी ईयर द कंडीशन इज गेटिंग वर्स। तो अगेन मेजर सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, एज आई जस्ट मेंशन व्हीकुलर इमिशंस, फिर इंडस्ट्रीज एंड इवन जो रूरल एरियाज में जो काउ डंग केक्स यूज होते हैं फॉर बेकिंग एक्सेट्रा, उनको भी कर्ब करना, स्विचिंग टू द ऑल्टरनेट सोर्सेज जैसे कि एलपीजी गैस, पीएनजी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रेगुलेटरी रिफॉर्म स्टक इन अ लूप इन हेल्थ मिनिस्ट्री। तो दिस आर्टिकल इज मेनली रिगार्डिंग कि कैसे द लीगल एनफोर्समेंट एंड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, जस्ट क्रिएटिंग द रूल्स एक्सेट्रा दैट इज नॉट इनफ। जैसे कि यहाँ पे देर इज एग्जाम्पल ऑफ DCGI दैट इज ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दे अनाउंस्ड पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑन मेजरली थ्री इशूज। तो हेल्थ में तीन इशूज की बात करते हैं। पहला इज रिगार्डिंग द गाइडलाइंस ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस एंड रिकॉल गाइडलाइंस,
हाउ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स उनका कैसे चेक हो रहा है, दैट आर ऑलरेडी रेगुलेटेड इन द मार्केट, उनका कैसे रेगुलेशन हो रहा है. एंड थर्ड इज द यूज ऑफ सिमिलर ब्रांड नेम्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर देयर ड्रग्स, जिससे कि जो प्रिस्क्रिप्शन है कई बार उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, दैट रॉन्ग मेडिसिन इज डिलीवर्ड और अलॉटेड टू द पर्सन ड्यू टू द कंफ्यूजन विद इन द नेम्स. तो ये मेजर थ्री एरियाज हैं. तो रिकॉल गाइडलाइन स्पेसिफिकली ये ऐसे ड्रग्स को रिमूव करेंगे विच आर फेल्ड द टेस्टिंग इन द गवर्नमेंट लेबोरेटरीज फ्रॉम द मार्केट, और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेज है उनमें अगेन वही कोर्स हो रहे हैं, कैसे वो स्टोर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड सेल, ऑल दीज एस्पेक्ट्स दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फर्दर सी डी एस ओ के फंक्शंस, तो सी डी एस ओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ अ ड्रग रेगुलेटर. एंड कैसे जो इनके फंक्शंस है इवन दे आर इन्वॉल्व इन दिस, तो दे ऑल बिकम इम्पॉर्टेंट. एंड ऑल्सो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी डी सी सी 1976, तो यहाँ पे इनके इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि कैसे जो ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स है वर दे एक्चुअली एग्जीक्यूटेड और नॉट. तो चैलेंजेस है कि दे के नॉट बी लीगली एनफोर्स बिकॉज अगेन द इशू विल कम इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन. तो फर्दर क्या इसमें इम्पोर्टेंट होएगा कि फर्स्टली जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है दैट कैन हेल्प इन दिस एस्पेक्ट, बट अगेन देयर मस्ट बी प्रॉपर चेकिंग एज वेल इन दिस रिगार्ड इटसेल्फ, जैसे इन टर्म्स ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम दैट इज ऑफ सिमिलर ब्रांड नेम्स, तो उसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स है उनका रोल इम्पोर्टेंट आ जाता है. बट अगेन द चैलेंज हर इज के ट्रेडमार्क्स के लिए नॉट एवरी वन, नॉट एवरी फार्मास्यूटिकल कंपनी इट अप्लाइज, तो इसीलिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करना इज इम्पोर्टेंट ऑन द रेगुलेटर टू वेट द ब्रांड नेम्स एंड सिमिलरली इन अदर इशूज एज वेल, बीट रिगार्डिंग गुड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द रिकॉल गाइडलाइंस, इसके लिए सिमिलर चेक नेसेसरी है. तो ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ फार्मेसीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे यूज एवरी ट्रिक इन द बुक टू स्टॉल द नेसेसरी एक्शन, एंड द ब्यूरोक्रेसी यूजेस अ फेमिलियर प्ले बुक ऑफ रिपीट कंसल्टेशंस टू स्टॉल द कंक्रीट एक्शन. तो डायरेक्ट इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है ऑफ पीएम ऑफिस. नेक्स्ट नेक्स्ट सेंसस शुड बी द लास्ट एन्यूमरेशन बेस्ड वन. तो जब हम सेंसस की बात करते हैं कि क्या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है एंड क्या क्या इनके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द कास्ट बेस्ड सेंसस जिसमें ऑलरेडी इट इज मेंशन कि कौन सी कास्ट है, विल इट एक्चुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अट्रोसिटीज या फिर द स्केप्टिकल माइंडसेट रिलेटिंग टू द अदर कास्ट इटसेल्फ, या फिर एक्चुअली इट विल हेल्प इन डायरेक्टिंग टूवर्ड्स टारगेट बेस्ड पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट. फर्दर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज अगेन द एग्जैक्ट डेटा इट कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू नो कि वेयर एग्जैक्टली इज द नीड और वेयर एग्जैक्टली आर द चैलेंजेस विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन, या इट कैन हेल्प इन डायरेक्टिंग द पॉलिसीज इन राइट डायरेक्शन. यहाँ पे द आर्टिकल इज मेंशनिंग कि हाउ शुड द सेंसस टेक प्लेस, शुड इट बी एक्चुअली नंबर बेस्ड जिसको हम बोलते हैं इन्यूमरेशन, या फिर इट शुड बी रजिस्टर बेस्ड एंड डायनेमिक सेंसस. तो जब हम रजिस्टर बेस्ड या फिर डायनेमिक सेंसस की बात करते हैं इट मेजरली फोकसेस अपॉन के हाउ द डेटा दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द रजिस्टर्स इटसेल्फ दैट कैन रेगुलरली गेट अपडेटेड, एंड उसी से ही द सेंसस कैन टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल काउंटिंग एटसेट्रा ऑफ द पॉपुलेशन, टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, स्कूल्स एटसेट्रा. लेकिन यहाँ पर द चैलेंज इज रिगार्डिंग द एग्जैक्टनेस कि कैसे उसका जो अपडेशन होएगा और जो उसकी एक्यूरेसी होएगी, हाउ कैन दैट बी मेंटेन्ड
एंड कहाँ कहाँ से जो किन किन एरिया से द डेटा विल बी एक्सट्रैक्टेड, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, तो हाउ विल दैट प्रोसेस टेक प्लेस. बट बेनिफिट्स में अगेन दिस एक्सरसाइज इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव. एंड अगर हम ट्रेंड्स में देखते हैं तो मेजरली गवर्नमेंट्स लाइक यूके, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा, दे आर ऑल डिरेक्टिंग देमसेल्व टूवर्ड्स दिस रजिस्टर बेस्ड एक्सरसाइज और सेंसस इटसेल्फ. तो इसीलिए इट कैन बी मोर रिलायबल डेटा. और इंटीग्रेशन अगेन दैट विल ऑल्सो हेल्प विद द आधार, पैन, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट्स एंड मोबाइल नंबर्स. तो एक यूनिफाइड सिस्टम का क्रिएशन यहाँ पे भी इट कैन हेल्प. नेक्स्ट, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत. तो अगेन दिस इज रिगार्डिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी. तो उत्तराखंड, ही ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तराखंड, पंडित गोविंद बल्लभ पंत. नेक्स्ट, ऑन द चैलेंजेस टू रोड सेफ्टी इन इंडिया. तो व्हाट इज द स्टेटस, इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 स्टेट विद रिस्पेक्ट टू मीटिंग इंटरनेशनल गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग द रोड एक्सीडेंट फैसिलिटीज. तो जब हम बात करते हैं रोड एक्सीडेंट्स की, तो विद रिगार्ड टू द डेटा, जो परसेंटेज ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स है बाय विक्टिम्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जो हाईएस्ट नंबर्स है दे आर सीन इन द मोटराइज्ड टू व्हीलर, उसके बाद फिर पेडेस्ट्रियन, एंड लेटर ऑन वी हैव द बाइसिकल. जनरल एवरेज ट्रेंड जो है वो इन्हीं पे देखने को मिलता है. एंड परसेंटेज ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ्स बाय टाइप ऑफ इम्पैक्टिंग व्हीकल, कि सबसे ज्यादा रिस्की कौन से व्हीकल्स हैं, तो उसमें मेजरली वी हैव द ट्रक टॉप नंबर पर, एंड देन अगेन मोटराइज्ड टू व्हीलर्स. तो अगेन रेगुलेशन की जो हम बात करते हैं कि कैसे हम इनके इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं एंड इनको रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो मेजरली अगेन टेस्टिंग ऑफ द व्हीकल्स रेगुलरली, कि हाउ दे आर अ प्रॉपर फंक्शन है, कि जो ब्रेक फेलियर एक्सेट्रा है दे कैन बी प्रिवेंटेड, फर्दर ड्रिंक एंड ड्राइव को प्रिवेंट करना, एंड जो टेस्ट होते हैं मोटर ड्राइविंग टेस्ट दे मस्ट ऑल्सो बी वेरी स्ट्रिंजेंट. तो दीज कैन बी सम मेजर्स. एंड मेजर्स, एक रीजन दैट वी रिसेंटली रेड वॉज रिगार्डिंग द रोड इंजीनियरिंग, कि कैसे दो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, द रोड क्रिएशन इंजीनियरिंग, हाउ इवन दैट मेनी अ टाइम्स इज अ रीजन फॉर रोड एक्सीडेंट्स, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट होना, या फिर इवन इन टाइम्स ऑफ यू टर्न्स एक्सेट्रा क्या क्या चैलेंजेस है. तो बेटर व्यू दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. फर्दर कुछ टर्म्स की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और डेज. तो 2021 में जो रोड ट्रैफिक इंजरीज थी, दे वर द 13th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड 12th लीडिंग कॉज ऑफ हेल्थ लॉस. इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स? तो अगेन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट द ओवरऑल अर्निंग एक्सेट्रा. फर्दर जो डिपेंडेंसी होती है ऑफ द फैमिली ओवर द पर्टिकुलर वन पर्सन हु मे बी लॉस्ट हिज लाइफ, या फिर इवन ड्यू टू डिसेबिलिटी कैन नॉट अर्न एनी मोर, तो वो ऑल्सो इट ऑल्सो हैज ह्यूज इम्प्लीकेशन. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी एंड सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. तो ये सजेस्ट करते हैं कि अगेन इवन इन दीज टेबल्स देर आर सेवरल इनएक्यूरेसीज, कि जो विक्टिम्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक्सेट्रा, तो डेटा में भी देर आर सेवरल लूप होल्स, तो बेटर ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड है. एंड ऑल्सो अगर हम न्यू इनोवेशन की बात करते हैं कि कैसे दे हैव बीन बेटर वेज ऑफ डीलिंग विद द स्पीड एक्सेट्रा, तो स्पीड कैमराज बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मैन्यूअल इंटरवेंशन इन देम. तो ऑटोमेटिकली दे कैन कैप्चर, नोटिस द स्पीड, एंड देन चलान्स इशू हो सकते हैं, फाइन्स.
Also, the speed breakers, when you talk about sign boards, so they in itself play a major role here. A way फॉरवर्ड की बात करते हैं तो प्रायोरिटाइजिंग स्केल ऑफ रोड सेफ्टी इंटरवेंशन, हेलमेट एक्सेट्रा, ऑल दीज फैक्टर्स दे बिकम इम्पोर्टेंट, एंड क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस फॉर फेटल क्रैशेस, ताकि बेटर ट्रैकिंग हो सके, एंड इवन द एरियाज और द रोड्स जहाँ पे कि ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग सच इंस्टेंसेस. नेक्स्ट, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट ऑफिसेस इन सपोर्टिंग फार्मर्स. तो अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मर्स, तो जो डिजिटल इंटरवेंशन है दैट प्लेज अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्रूशल रोल इन इनहैंसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. एंड जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, बी इट रिगार्डिंग द नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस की जब हम बात करते हैं, जिसमें देयर विल बी बेटर ट्रैकिंग ऑफ पेस्ट, फर्दर जब हम सोलार एनर्जी और इंटीग्रेशन की बात करते हैं विद द एग्रीकल्चरल फार्म लैंड्स विद द पीएम कुसुम स्कीम, दीज आर ऑल द मेजर एग्जाम्पल्स. और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, फर्दर वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जहाँ पे कि बेटर रोड्स कनेक्टिविटी एट्सेट्रा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, इन पे इन्वेस्टमेंट इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ऑन द सिमिलर लाइन्स क्लाइमेट के रिलेटेड, जैसे जो अलर्ट एप्स होते हैं स्पेसिफिकली रिगार्डिंग फार्मर्स, हाउ कैन दे हेल्प इन लेटिंग द फार्मर्स बी अवेयर ऑफ द वेरियस वेदर कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंगली कैसे वो इरिगेशन प्लान कर सकते हैं, एंड फर्दर अदर थ्रेड एंड द क्रॉपिंग पैटर्न दे कैन डिसाइड ऑन दोज लेवल्स एज वेल. तो इसी के ही लिए IMD इज प्लानिंग टू रिवाइव द डिस्ट्रिक्ट एग्रो मीटरोलॉजी यूनिट्स अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम. तो दिस इज अ स्कीम जिसके अंडर दीज यूनिट्स दे विल बी एस्टैब्लिश. तो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द हब एंड स्पोक मॉडल, क्योंकि कैसे इंडिया में द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स दे हैव अ वेरी स्मॉल लैंड्स, बी इट ऑफ 1 to 2 hectares या फिर less than 10 hectares, तो उनके लिए हब एंड स्पोक मॉडल इट कैन बी अ वेरी वेल वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग बेटर, बी इट इवन इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फिर सच यूनिट्स कैसे ये हेल्प कर सकती हैं. तो 80% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल, तो इसीलिए दीज कृषि विज्ञान केंद्रास, इनके अंडर ये यूनिट्स प्रेजेंट हैं, विच कैन शेयर मैसेजेस के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप्स, न्यूज़पेपर्स, एंड ऑल्सो थ्रू इन पर्सन कम्युनिकेशन थ्रू द स्टाफ, और वो भी लोकल लैंग्वेज में टू द फार्मर्स, जिससे कि दे कैन प्लान इन एडवांस रिगार्डिंग इरिगेशन एंड द अदर एरियाज. अब इट वॉज स्टॉप्ड इन बिटवीन, क्योंकि अगेन फॉल्सली क्लेम था कि जो डेटा है वो ऑटोमेटेड है एंड इट इज नॉट दैट हेल्पफुल एट्सेट्रा. तो इसीलिए नाउ दे विल बी रिवाइविंग सच यूनिट्स अंडर द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम, एंड कैसे इट विल बी एबल टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस अमोंग द फार्मिंग कम्युनिटी. फर्दर प्राइवेट का इंटरवेंशन दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, कि हाउ स्ट्रिंजेंटली अगर केयरफुली इंटरवेंशन विल टेक प्लेस, तो इट कैन ऑल्सो हेल्प इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोजेक्ट्स, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, इंडिया यूएई इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन. तो अगेन इंडिया एंड यूएई वेरी क्लोज टाइज, जो यूएई है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मेनली इन टर्म्स ऑफ द क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल फॉर दैम टॉक अबाउट द गैस ट्रांसपोर्ट, तो इन सब एरियाज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्दर इन टर्म्स ऑफ द लेबर्स एट्सेट्रा ऑल्सो विच आर ट्रांसपोर्टेड मेजरली इन द गल्फ कंट्रीज, तो उसमें भी यूएई हैज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो बोथ कंट्रीज दे हैव अग्रीड टू कोऑपरेट इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ सेफ्टी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
तो अगेन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड फॉर द न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एंड द टू साइड्स दे ऑल्सो साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई बिटवीन अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. तो द विजिट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द फर्स्ट इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल मीटिंग दैट टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी लॉन्च दैट कोचिन शिपयार्ड. तो अगेन कोचिन शिपयार्ड इम्पोर्टेंट शिपयार्ड, वी कैन रिमेम्बर द नेम. और फर्दर जो टू एंटी सबमरीन वॉरफेयर है इनकी नेम है INS मालपे एंड INS मुल्की. तो द शिप्स विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 900 टन्स आर डिजाइन टू फिट द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सोनार फॉर अंडर वाटर सर्वेलेंस. तो अगेन सोनार इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज अंडर वाटर, ताकि जिससे कि इवन फ्रॉम द साउंड एंड रेडिएशन वी कैन गेट टू नो कि कितनी दूर वट आर द मेजर एंटिटीज दैट आर प्रेजेंट विद इन द वाटर. नेक्स्ट MSMEs face fresh headwinds on new machine safety norms. तो हेयर अगेन रिगार्डिंग द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरी क्रिएशन, जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट है उन्होंने बताया है कि द न्यू रेगुलेशंस दैट और द सेफ्टी नॉर्म्स दैट हैव बीन सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जिसमें के स्ट्रिंजेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है फॉर मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो कि आइदर दे आर क्रिएटेड और इम्पोर्टेड इन टू इंडिया. तो उनके लिए तो मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी ऑर्डर 2024, तो इसके रेगुलेशन के लिए मेजर लेटेस्ट देयर. कैसे कैसे इक्विपमेंट जैसे कि पंप्स क्रेन्स कंप्रेसर्स, तो इनके लिए देर हैव बीन दीज स्ट्रिंजेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ अफेक्टेड मशीनरी आइटम्स आर MSMEs. तो अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग में द कॉस्ट एक्सेट्रा दे विल बी हाई, बट ऑफ कोर्स लेटर ऑन इट विल हेल्प इन द ओवरऑल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. नेक्स्ट, व्हाई डू रॉकेट्स रिक्वायर हीलियम? तो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इट लैंडेड अनक्रूड इन एट न्यू मेक्सिको डेजर्ट लेट ऑन फ्राइडे. दिस इज रिगार्डिंग हीलियम मेनली, कि हीलियम हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट जो अलाउ करता है इट टू रिमेन अ गैस इवन इन सुपर कोल्ड एनवायरमेंट्स. तो इसीलिए इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर बिकॉज रॉकेट फ्यूल्स आर स्टोर्ड अराउंड दैट टेम्परेचर. तो गैस इज ऑल्सो नॉन टॉक्सिक, बट इफ ब्रीथ इट विल डिस्प्लेस द ऑक्सीजन ह्यूमंस नीड फॉर रेस्पिरेशन. तो प्रेशराइज करने के लिए यूज होती है द फ्यूअल टैंक्स, इंश्योरिंग फ्यूअल फ्लोस टू द रॉकेट इंजन्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ हीलियम. नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड टू न्यू ISBTs एट टीकरी बॉर्डर नरेला. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप्स एंड वी कैन टर्म इट हैज टू बी एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर एयर पोल्यूशन इटसेल्फ, एज वी जस्ट नाउ डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक कि कैसे एयर पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम. तो इसमें ऑल्दो इट विल टेक टाइम बट इट कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प दिल्ली मेजरली टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम. तो यहाँ पर जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल्स हैं जो कि मेजरली कश्मीरी गेट में प्रेजेंट है करेंटली, तो टू न्यू ISBTs क्रिएट होंगे टीकरी बॉर्डर पे और नरेला पे, जिससे कि जो बसेज आएंगी दे विल स्टे देयर इटसेल्फ. जो करेंटली CNG बसेज हैं वो
क्योंकि अभी भी देर आर डीजल फ्यूल्ड बसेस मेजरली, बिकॉज इवन नाउ जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस है दे आर नॉट दैट मच इन नंबर, एंड ऑल्सो जो ट्रेडिशनल बसेस है दे आर ऑल्सो प्लाइंग करेंटली, तो दे कैन स्टे देयर इट सेल्फ इन द टीकरी बॉर्डर और नरेला का जो ISBT है, ताकि वो सिटी के अंदर एंटर ना करें. तो की एम अदर एरियाज क्या क्या है, डी कंजेस्ट ट्रैफिक ऑन रिंग रोड अपार्ट फ्रॉम द कर्बिंग ऑफ पॉल्यूशन, और टू टेक लोड जो होगा ISBT कश्मीरी गेट का, इवन दैट विल रिड्यूस करंट फुटफॉल जो है दैट इज 1.5 लाख डेली. तो प्राइवेट बसेस भी यहाँ पे अप्लाई करती हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट द गवर्नमेंट बसेस, एंड बसेस इन रूट टू हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा टू बी डाइवर्टेड. तो गेन मेजर स्टेप. नेक्स्ट द ऑडेसिटी ऑफ अ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन हैज लेड टू गेन्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, सेफ्टी एंड डिग्निटी, हेल्थ एंड इकोनॉमी. तो अगेन येस्टरडे इट ऑल्सो बी डिस्कस्ड अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन एंड कैसे इट एंड मेजरली हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ टॉयलेट्स, और जो ओपन डिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कर्ब करना, जिससे कि मेजर इम्पैक्ट इसका क्या क्या हुआ है, जो मोर्टैलिटी रेट है दैट इज गॉन डाउन, और जो डिजीजेज हैं मेजरली दैट हैपन ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर एंड फूड, जैसे कि कॉलरा की जब हम बात करते हैं या फिर टाइफॉइड, तो ऑल दीज मेजर डिजीजेस दे आर प्रिवेंटेड, जिससे कि जो एक्चुअल कॉस्ट है बाय 50,000 वी रेड एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का ऑन सच डिजीजेस उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो दैट कैन बी कर्ब. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो हेल्थ में जो इन इम्प्रूवमेंट आया है, जैसे कि अगर रिपीटेड डायरिया एक्सेट्रा नहीं होएगा, तो अगेन जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है एक्सेट्रा दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस, ओवरऑल जो हेल्थ इम्यूनिटी है दैट विल ऑल्सो स्टे गुड एंड बेटर. तो जो स्टंटिंग वेस्टिंग के केसेस है दे विल ऑल्सो रिड्यूस. तो अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू टर्म्स दैट आर मेंशनड हियर आर, तो अगेन दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यूनिसेफ इट हैड एस्टिमेटेड रिगार्डिंग दिस 50,000 एनुअली जो सेव हुआ है, प्लस चेंजिंग इन द बिहेवियर ऑफ 550 मिलियन पीपल इन 5 ईयर्स. तो आउट ऑफ द टोटल 1,400 मिलियन दैट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली, तो उनमें से अगर हम देखते हैं तो दीज आर अराउंड 500 मिलियन पीपल इट सेल्फ, जिसमें कि जैसे अगर हम बात करते हैं आयुष्मान स्कीम में भी जो इंक्लूजन है वो इतने ही लोगों का है, फर्दर इन सेवरल अदर एरियाज एज वेल, जो बी PDS स्कीम एटसेट्रा, इट इज मेजरली दीज पीपल हु आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस ड्यू टू पावर्टी मेजरली एंड लैक ऑफ सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज. तो उनके फोकस के लिए दिस हैज बीन अ मेजर इम्प्रूवमेंट स्टेप. तो जन आंदोलन मास मूवमेंट इट वॉज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन विलेज आफ्टर विलेज, डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट आफ्टर स्टेट. अब मेजर क्या क्या और स्कोप है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जल शक्ति मिशन की, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्कोप है ऑफ द पोर्टेबल वाटर, जिसको हम घर घर पहुँचाने की बात कर रहे हैं. करेंटली जो कवरेज है दैट इज नियरली 70 to 75%, तो उसको भी इंक्रीज करना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द ओरिजिनल टारगेट वॉज ऑफ 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो फोर की लेसन की जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, तो दे वर इंस्टाइंड इन द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस. तो ये फोर पीस की बात करते हैं. पहला इज पॉलिटिकल लीडरशिप, सेकेंड इज पब्लिक फाइनेंसिंग, थर्ड इज पार्टनरशिप्स, एंड फोर्थ इज पीपल्स पार्टिसिपेशन. तो दीज आर ऑल द मेजर टर्म्स दैट वी कैन रिमेम्बर कि कैसे लीडरशिप, फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है इट कैन ऑल हेल्प इन अचीविंग द गोल्स. SDG की बात करते हैं नंबर 6, तो एक्सेस टू सैनिटेशन एंड वाटर, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेट्स ब्लाइंड आई, तो वार्निंग्स टू माइनॉरिटी ऑन बोर्ड्स इन पब्लिक स्पेसेस इन रुद्रप्रयाग शोड इनटॉलरेंस एम्बोल्डेंड बाय स्टेट एब्डिकेशन.
तो हेयर आई हैव दिस क्वेश्चन कि जनरली जो ये जो माइनॉरिटी के क्लासेस होते हैं या फिर जो माइनॉरिटी एट्रोसिटीज फेस करती हैं, दे मेजरली हैपन इन द एरियाज वेयर द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज वेरी लेस एंड टू द माइनॉरिटी इटसेल्फ, बी इट इन टर्म्स ऑफ अ कम्युनिटी दैट इज लिविंग, जैसे अगर हम दो तीन स्ट्रीट्स को मिला दें, या फिर अगर हम पूरी कंट्री की भी बात करते हैं, तो जैसे बांग्लादेश में हिंदूज वर द माइनॉरिटी, तो अगेन जो अटैक्स है वो उन पे स्टार्ट हो गए, एंड मेजरली इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन इटसेल्फ और इन टर्म्स ऑफ कास्ट समटाइम्स। तो क्या इनके मेजर रीजंस हो सकते हैं एंड हाउ कैन वी एक्चुअली चेंज द माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज? मानसरी द्विवेदी, वुड यू लाइक टू ऐड इन दिस? क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इसके? See why they are targeted. The simple reason is because they are very easy targets. And कल हमने बात करी थी, you were asking me about majoritarianism and how it impacts the healthy functioning of democracy. So this is again one form of it. This is an example of that. So in terms of protection or their safety, like suddenly we can't do anything because there's again kind of mob lynching kind of incidents which are happening. So we can have again, we are having laws for the protection, like particularly for STs and SCs, we have the Atrocities Prevention Act. So their effective implementation is important. Then the role of police is very important in terms of direct contact for addressing their concerns. And again, maintaining that their problems or their issues are also equally important. So sensitization of police forces is very important. एंड इसमें वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द रोल्स ऑफ मूवीज एटसेट्रा, कि हाउ दे कैन हेल्प इन दीज टर्म्स एज वेल। जैसे जो माई नेम इज खान मूवी है, इवन इन दैट इट इज सोन के द टू रिलीजन, लाइक इट इज जस्ट अ बैड पर्सन एंड अ गुड पर्सन, एंड दे आर नेवर जज्ड बाय देयर रिलीजन, क्योंकि बैड पर्सन गुड पर्सन दे आर प्रेजेंट इन ऑल द रिलीजन्स। तो ऐसे मूवीज के रोल की हम बात कर सकते हैं, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बुक में जो स्टोरी बुक्स होती हैं एट्सेट्रा, दे ऑल हेल्प अस इन रियलाइजिंग सिंस आर चाइल्डहुड इटसेल्फ, तो उनका भी इम्पैक्ट इसमें आ सकता है। नेक्स्ट, अ विन विन फॉर अकेडमिया इंडस्ट्री। तो जब हम R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो करेंटली इट इज नियरली 0.7% ऑफ GDP दैट इज स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसको इंक्रीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदर कंट्रीज में इट इज नियर टू 2 to 3% ऑफ द GDP। तो उसी के लिए ही वी हैव दिस अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो कैसे ये नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी में हेल्प करेगा? तो अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023, तो ये एम करता है कि फंड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और प्रमोट करेगा रिसर्च को अक्रॉस द इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो जो कि फेस करते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस। तो इवन व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, के क्या क्या उसमें चैलेंजेस, क्या क्या बेटर हो सकते हैं, तो मेजरली दिस वॉज सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द Tier 2, Tier 3 cities। एक तो वॉज दिस पॉइंट, एंड सेकेंड वॉज इंक्रीजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन सच सेक्टर्स, ताकि जो ये R&D है इसको और ज्यादा प्रमोशन मिले, ताकि जो नॉलेज है इवन दैट गेट्स इन्हांस्ड विद रिसर्च अपार्ट फ्रॉम जस्ट टीचिंग, तो दैट कैन हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, फर्दर जो रिलायंस है और नॉन गवर्नमेंटल फंडिंग, तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी मूव, और कोऑर्डिनेट करना विद ऑल द अदर इंस्टीट्यूशंस।
तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स, GFR, और कम्बरसम पेपर वर्क जैसे कि डीलेज होते हैं फंड्स में. फोकस ऑन सपोर्टिंग लोअर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स. फोकस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द टू टर्म्स दैट वी कैन रिमेम्बर, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स एंड फोकस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. और डीप सो टेक ऑल स्टार्टअप्स, दिस डीप टेक स्टार्टअप्स दे कैन ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट एंड मोर वी कैन से लीडरशिप रोल अलोंग विद दी देयर इनोवेशंस. सो आउट ऑफ दिस ₹50,000 करोड़ ओवर 5 years पीरियड विल बी सीइंग 36,000 करोड़ वुड बी इन्वेस्टेड और इट वुड बी फंडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. ओनली 14,000 करोड़ इज बाय दी गवर्नमेंट एंड दिस एंटायर मॉडल ऑफ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन the US model of research and development. So right now we have only 0.6% of the GDP allocated for R&D. Apart from this, how we are promoting more of research and development or the scientific temper, we can say is we have our Atal Incubation Centers, then we have again the Ministry of Electronics and Information Technology organizing different hackathons, which encourages the participation of youth. नेक्स्ट, वाई एपेक्स कोर्ट इंटरवीन्ड इन हिमाचल प्रदेश एचसी कोलिजियम डिसीजन. तो अगेन जब हम कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं, तो द न्यू एक्ट और द न्यू रिफॉर्म दैट वाज सजेस्टेड वाज द NJAC, दैट वाज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. और जो फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज केसेस हैं, इवन दे हैव सजेस्टेड वेरियस डिफरेंट थिंग्स विद रिगार्ड टू कि कैसे जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए. तो हेयर व्हाट हैपेंड इन द हिमाचल केस. तो जो हाई कोर्ट कोलिजियम है, इट रिकमेंडेड टू अदर जुडिशियल ऑफिसर्स फॉर द एलिवेशन टू द हाई कोर्ट, प्रॉम्प्टिंग सिंह एंड मल्होत्रा टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. नाउ दे आर्ग्यूड कि जो HC कोलिजियम है, दे हैड इग्नोर्ड देयर सीनियोरिटी क्योंकि टू सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट बट नॉट फर्स्ट कंसिडरिंग देम अगेन बिफोर रिकमेंडिंग टू अदर ऑफिसर्स. तो यहाँ पे सीनियोरिटी लेवल की बात हो रही है कि दैट वॉजन कंसिडर्ड हियर. यहाँ पे मेंटेबिलिटी की बात हो रही है कि देर वॉज इफेक्टिव कंसल्टेशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रेजोल्यूशन. और जो मेरिट्स ऑफ द ऑफिसर्स इन क्वेश्चन, दैट वाजंट कंसिडर्ड हियर. नेक्स्ट, वैक्सीन्स फॉर एमपॉक्स. तो DRC, एपिसेंटर ऑफ द ग्लोबल एमपॉक्स आउटब्रेक, हैज रिसीव द फर्स्ट वैक्सीन नियरली अ मंथ आफ्टर द WHO डिक्लेयर्ड द इन्फेक्शन एज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. तो वाई द डिले, व्हाट वैक्सीन आर बीइंग यूज्ड. तो हियर वी कैन सी द मैप दैट इज प्रेजेंट हियर एंड ऑल्सो द मार्क्स दैट आर शोन हियर कि क्लेड A1, क्लेड IA, क्लेड IB. तो दीज आर द वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस क्लेड्स डिटेक्टेड. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इवन इन पार्ट्स ऑफ नाइजीरिया देर हैज बीन अ स्प्रेड. So here the most lethal or most dangerous one is clade 1A, which is there in the countries of Africa. And the mpox virus, it is a DNA virus, so we need to remember this. Otherwise, most often we are talking about the RNA viruses. So DNA viruses are relatively more stable compared to RNA, so there are less risk as far as the mutation of the virus is concerned if it is DNA virus, because it is having two strands. And apart from this, when we are talking about availability of vaccines, so we are seeing that
Firstly, the emergency, which is declared by WHO, that raises alarms and it raises even questions about the preparedness level to deal with the future epidemics also, after particularly COVID-19. What about the learnings that we had out of that experience? And thirdly, we can say that the role of Gavi, which is the Global Alliance on Vaccination, and role of UNICEF is important in terms of ensuring the availability of the vaccines in the low-income countries particularly. So equitability and the availability of vaccines, that is important on the part of Gavi. And in particularly India, we have again Serum Institute of India, which is announced, or which are developing the mpox vaccine. So even in case of COVID-19, we saw our major focus was on indigenization of the vaccine or self-manufacturing. So Indian Council of Medical Research, their role is important. And then National Institute of Virology, which is in Pune. So most commonly used vaccine right now is the modified Vaccinia Ankara, MVA. It is manufactured by Denmark. And then we had again IPR issue also related to COVID-19 vaccine and WTO, that their India stand was that IPR shouldn't be used here because it is about, again, human lives. So human rights, that should be supreme over the IPR rights. And that's how we saw that even the decision came in favor of India. And it was because it was, in a way, it was India versus the developed countries. So you cannot have the motive of earning profits out of vaccinations. Next, as copper mining stalls and import surge, players see overseas assets. So यहाँ पे कॉपर डिमांड अ की बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज पोइज्ड टू सर्ज ओवर द नेक्स्ट डिकेड अक्रॉस ज्योग्राफीज. तो इंडिया की बात करते हैं. एमिट स्टैग्नेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कॉपर कंसेंट्रेट इम्पोर्ट है दे हैव डबल्ड इन 2024. और जो इंडियन स्मेल्टर्स है एंड रिफाइनरीज दे आर नाउ इंक्रीजिंगली लुकिंग टू सिक्योर कॉपर एसेट्स ओवरसीज. तो कॉपर के रोल की बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, तो अगेन क्लीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि विंड टर्बाइन्स, ईवी बैटरीज, उनमें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इंडिया की इम्पोर्ट रिलायंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है फॉर कॉपर. और जो डेवलपिंग न्यू इम्पोर्ट सोर्सेज है इन कॉपर रिच कंट्रीज लाइक मंगोलिया टू बाइंग इक्विटी इन जाम्बियन चिलियन माइंस. मेजर प्लेयर्स की बात करते हैं जो ओवरसीज ऐसे टेक ओवर कर रहे हैं एसेट्स को, तो अडानी स्कट्स कॉपर लिमिटेड, हिंडाल्कोस बिरला कॉपर, फिर वेदांता स्टरलाइट कॉपर लिमिटेड, दीज आर द मेजर एग्जाम्पल्स. तो ये कोलैबोरेट भी कर रहे हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन सिक्योरिंग इंडियाज कॉपर सप्लाई चेन. So, what are the five major copper mines which are operating in India? First is the Khetri Copper Mine, which is in Rajasthan, operated by Hindustan Copper Limited, Khetri Mine and Kolihan Mine. Then we have the Malanchkhand Copper Project, which is there in Madhya Pradesh. So, it is producing 70% of India's copper production. It is also operated by Hindustan Copper Limited. Then we have Surda Copper Mine, this is in Jharkhand. And then we have Taloja Copper Mine, Maharashtra, and the fifth one is the Rakha Copper Mine in Jharkhand. So we need to remember ki coastal states mein we do not get the copper mineral. It is in the North Indian or the central states.